नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जैसे जैसे लोगों के पास पैसे बढ़े और लोग ज्यादा आराम तलबी होने लगे, लोगों के पास नए नए शौक आने लगे और इसी को पूरा करने के लिए मार्केट ऐसे ऐसे काम करने लगा है। ठीक इसी तरह एक आराम तलबी का शौक है खाने के बाद चाय पीने का। कुछ लोगों को चाय की इतनी ज्यादा आदत होती है कि उन्हें हर समय चाय की जरूरत महसूस होती है। ऐसे में कई लोगों को सुबह के नाश्ते, दोपहर के लंच और रात के डिनर के बाद भी चाय पीने की आदत होती है। यदि आपको भी ऐसी आदत है तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा जारी खानपान की गाइडलाइन के मुताबिक ये आदत आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने हाल ही में भारतीयों के खानपान से संबंधित गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि सुबह नाश्ते के समय हमारे शरीर को सबसे ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है, लेकिन नाश्ते के एक घंटे के भीतर चाय या कॉफी का सेवन करना गंभीर बीमारियों को बुलावा देता है। इससे शरीर में आयरन की क्षमता घटती है और पोषण के बावजूद शख्स एनीमिया का शिकार हो जाता है। भोजन और चाय का एक साथ सेवन करने से पाचन पर भी असर पड़ता है। नाश्ते या भोजन के एक घंटे तक चाय और कॉफी से दूरी बनाए रखनी चाहिए। गाइडलाइन में बताया गया है कि हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को कॉफी का उपयोग नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए। कॉफी पीने के बाद शरीर में रक्तचाप बढ़ता है, जो हृदय की धड़कन को डिस्टर्ब बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय की पत्ती में एसिडिक गुण होते हैं और जब वो भोजन के प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो प्रोटीन सख्त हो जाता है, जिस वजह से उसे पचाने में मुश्किल होती है। इसलिए चाय का सेवन खाना खाने के तुरंत बाद ना ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा चाय में कैफीन होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। यही नहीं, कैफीन की मात्रा शरीर में कोलेस्ट्रॉल यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन्स को बढ़ा देती है, जिससे शरीर को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खाने के बाद चाय पीने से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन पूरी तरह नहीं होता, जिससे भरपूर प्रोटीन लेने के बाद भी मसल्स कमजोर होने लगती हैं। चाय में पाया जाने वाला टैनिन पेट में मौजूद एसिड से मिलकर पेप्टिक अल्सर की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए खाने के तुरंत बाद चाय पीने की गलती ना करें। चाय में साइनोजन होता है, अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं तो पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि खाना खाने के बाद चाय पीने से कितना नुकसान होता है। तो अब से चाय को बाय बाय कहिए।